Assalamualaikum. I am Dr. Najma, Aziz, consultant psychiatrist practicing in Islamabad for the last more than 35 years. आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात करना चाहते हैं. 24 मई को हर साल स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी अमर्ज है जो कि शरीर मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, यानी कि सब किस्म की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है. और इस हमारा मकसद ये होता है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जनरल पब्लिक को पता नहीं होता और वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए रजू नहीं करते, और भी जो मरीज होते हैं वो क्रॉनिक स्टेट में चले जाते हैं, फिर इलाज मुश्किल हो जाता है. अर्ली डायग्नोसिस और जल्द तशखीस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से ये बहुत हद तक मरीज जो है उससे जवाब हो सकता है. स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह ये मर्ज नहीं है कि भाई जैसे किसी को बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास आ जाता है, और ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और इसका शुरुआत अर्ली एडोलेसेंस में शुरू हो जाते हैं. इसलिए कुछ अगर हाइजीन को पता हो तो वो उसका इलाज जल्दी करा सकते हैं. मतलब कहते हैं कि 16 और 24 ईयर्स की एज में इसका जन्म शुरू हो जाता है बीमारी का. और इसकी इसमें ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की अलामतें होती हैं, या तो बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो उसमें से वो हट जाता है, या वो उसका इंटरेस्ट हो जाता है और उसके जेहन में अजीब किस्म की थॉट्स आने लगते हैं जिस जो वो शेयर नहीं करता और वो समझता है कि वो सही है, जिनको हम रिलीजन्स कहते हैं. और उसके अंदर ये इसमें असल में डिसऑर्डर थॉट आ जाता है, उसकी सोचों की असल बीमारी सोचों की शुरू हो जाती है, जो उसकी अपनी सोचें जो लामहदूद किस्म की उसमें आ जाती है सोच, और वो उसी में खोया रहता है और वो सोचता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है, और वो सोचें जो होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, और उन्हीं सोचों का इलाज किया जाता है तो पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है. इन सोचों में पैरानोया जिसको हम कहते हैं कि वो फील करने लगता है कि जैसे लोग उसके खिलाफ हैं या उसके पीछे भी पीछे कोई लगा हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो उसके खौफ में और उसकी प्राइवेसी में मुबला हो जाता है, और वो जिंदगी की नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वो विड्रॉ कर सकता है. फिर उसको कानों में आवाज़ें भी आने लग जाती हैं जो कि वो शेयर नहीं करता, लेकिन उसके बिहेवियर से पता चलता है कि कोई आपने आपसे बातें कर रहा है या वो किसी को जवाब दे रहा है. तो वो लोग कहते लोग हंसते हैं कि ये तो आपने आपसे बातें करता है. वो ये बात भी होती है, वो भी एक बीमारी का एक सिम्टम होता है जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं कि उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, और वो तंग आके उनको जवाब दे रहा होता है या उनको फॉलो कर रहा होता है, और वो फिर उसके बिहेवियर में नज़र आ रहा होता है. इसी तरह फिर वो ये समझ नहीं रहा होता कि वो बीमार है, वो यही समझता है कि वो सही है, उसको यकीन की हद तक वो उसकी सोचें मुतासर हो जाता है. तो उस वजह से फिर वो इलाज की तरफ नहीं आता, वो विड्रॉ कर लेता है, वो अपने आप तक महदूद हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, पढ़ाई मुतासर हो सकती है, अगर जॉब कर रहे हैं तो वो अफेक्ट होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, अगर अजवाजी जिंदगी शुरू हो चुकी है तो वो मुतासर होती है. और ये चीज़ें बताने का मकसद ये कि जो लवाइकिन है वो चीज़ नोटिस करें और इलाज के लिए रजू करें, और इलाज मुमकिन है, इसमें इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम जो एक खास किस्म की साइकोथेरेपी है उससे पेशेंट ठीक होते हैं, फिर उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करके उनको वापस रिहेबिलिटेट करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट और क्विक रिकवरी ये हमारा ये है, हम उसी वजह से ये डे मनाते हैं ताकि जनरल पब्लिक को उसकी अवेयरनेस हो.